हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंस्टाग्राम स्टोरी को फेसबुक पर ऑटोमेटिकली कैसे शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इंस्टाग्राम पर अगर अपनी स्टोरी डालोगे तो वो आपके फेसबुक पर भी दिखाई देगी। और इस सेटिंग को आप कहाँ से चालू कर सकते हो, इसी भी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से फेसबुक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आईडी को लॉगिन कर लेना है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर कर रखा है। ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिसको मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है और इसी में मैं बताने वाला हूँ। और आपको इंस्टाग्राम के अंदर आ जाना है सबसे पहले। और यहाँ पर भी मैं इस अकाउंट पर, वो ऑप्शन पहले से चालू है, तो मैं दूसरा अकाउंट यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैं आ गया हूँ मेरे सेकेंड अकाउंट पर और इस पर मैं उस ऑप्शन को चालू करके बताने वाला हूँ। अभी थर्ड लाइन पर क्लिक करना है सबसे पहले आपको, और यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, शेयरिंग टू अदर एप्स, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले पहला ही ऑप्शन मिलेगा फेसबुक का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो भी फेसबुक पर आईडी जो लॉगिन है की आपने, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मेरी ये ताकत साहब के नाम से आईडी है, तो ये यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ द फिनिश सेटअप। तो यहाँ से हमें इसे चालू कर देना है। ये थोड़ा ये हो गया यहाँ से, और ये देखिए स्टार्ट शेयरिंग टू फेसबुक, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और ये देखिए यहाँ से हमारी स्टोरी और इंस्टाग्राम पोस्ट दोनों ही फेसबुक पर शेयर होगी। तो आप पोस्ट को बंद करना चाहते हो तो निचले वाले ऑप्शन को बंद कर देना। और अगर आप इसी प्रकार से अगर स्टोरी को भी बंद करना चाहते हैं तो ये स्टोरी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसे भी आपको यहाँ से बंद कर देना है। तो अभी मैं फिलहाल पोस्ट वाले ऑप्शन को बंद कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा वेट लोडिंग हो रहा है, लेकिन उससे पहले चलिए हम देख लेता हूँ कि ये ऑप्शन इस स्टोरी को डाल के देख लेते हैं। ये यहाँ से हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो फेसबुक से कनेक्ट हो चुका है अब। तो अभी हम आ जाते हैं स्टोरी पर और मैं आपको एक स्टोरी डाल के बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ से मैं कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कोई सी भी कर लेता हूँ। जैसे ये मैं इंस्टाग्राम आईडी इसी के कर लेता हूँ, फेसबुक आईडी की। तो देखिए यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, यूअर स्टोरी फेसबुक, यहाँ पर आइकन दिख रहा है फेसबुक का। और अब मैं जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल चुका है हमें, एंड फेसबुक स्टोरी, तो इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से देखिए हम स्टोरी को फेसबुक पर ओप भी कर सकते हैं। और अभी मेरे चालू है तो मैं वैसे ही रहने देता हूँ, शेयर करता हूँ। और फिर हम वहाँ पर देखेंगे फेसबुक पर कि यही स्टोरी वहाँ पर भी आती है या नहीं। तो यहाँ से मैं पोस्ट कर देता हूँ इसे जल्दी से, डन पर क्लिक कर देता हूँ और देखते हैं इसे पोस्ट होने देता हूँ, थोड़ा सा वेट। ये यहाँ से हो चुकी है पोस्ट और अभी मैं फेसबुक पर चला जाता हूँ। और ये मैं आ चुका हूँ मेरे फेसबुक अकाउंट पर। ये देखिए अभी यहाँ पर देख लेते हैं आई या नहीं, तो व्यू स्टोरी। तो ये देखिए जो हमने वहाँ पर जो स्टोरी डाली थी वो यहाँ पर भी आ चुकी है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। और अगर आप इस ऑप्शन को वापस बंद करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, या मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक चेक करें, वहाँ से आप इसे वीडियो देखकर बंद कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा एक बार, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो में।